हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान और मैं हूं साहिल। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं प्यार परसों के कैल ना रहे खेसारी लाल यादव का। ये गाना है, एक और गाना है जिस जो पवन सिंह का है, जिसका नाम है हेल्थ ओके। हेल्थ ओके मेन हो गई बात जान हमारा हेल्थ ओके। ये है गाने के बोल, मतलब ऑब्वियसली ये गाना आई थिंक स्पॉन्सर्ड है हेल्थ ओके मैनकाइंड, समझ रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं हम प्यार परसों का ये कैल ना रहे जो है खेसारी लाल का। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। या वही अरे ये कौन है, खेसारी लाल का गाना ना है तो हाँ वॉइस ओवर हो सकता है। इनकी लव स्टोरी पे खेसारी लाल गाना गाएंगे। अगर नहीं भाई ऐसा नहीं है भाई, ये तो कुछ और लग रहा है। ये गर्लफ्रेंड होगी इनके दोस्त के साथ रहे होंगे ऐसे लग रहा है। ये शायद रेल में इनकी दोस्ती है शायद। देखा है चश्मा वाले भैया तो नहीं। हाँ चश्मा वाले बाकी सब नकली एक्टर है, एक लोता खेसारी लाल यादव लग रहा एक्टर हो पे। रेलवे स्टेशन से जाएगा टकरा। गंगा के पानी जैसे रेलवे स्टेशन में नहीं होगा, पार्क वगैरह होगा। ऐसा लग रहा है खुले में सोच करना मना है भाई, बोले कितने गम में हुआ। जगह पड़ी उसके ऊपर ही गोली कर दी। बड़ी सख्त सख्त मोहब्बत थी ये तो। इनका कुछ पास्ट भी नहीं दिखा रहे हैं। हाँ एक्स गर्लफ्रेंड है तो ठीक है, बट पास्ट तो दिखा। और यार ये तो गरीब लग रहा है बेचारा, है ना, गरीब वाला रोल दिया है। ब्रेक पे मैं सो जाना तो ट्रेन में उड़ा के ले जाएगी। प्यारी बार के चाकर में मर नहीं जाए, हल चल के सारी फेरे ना गलती तो मैंने सोच कर डाला है। तुम गलत कर रहे हो अपना मन के मालिक,
तो हर हाथ प्यार कल्हे परसो के काजिल न रहे भुला कैलु ऐसे जैसे भाजिल न रहे प्यार कल्हे परसो के काजिल न रहे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एक तरफा प्यार वाली स्टोरी चल रही है, पहचानी नहीं थी वो तो समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट मुझे तो। एक तरफा प्यार का कॉन्सेप्ट कि वो प्यार करते थे लेकिन वो उसने कभी इज्जत नहीं करी उसके प्यार की। गरीब 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 अमीरों वाला प्यार गरीबों की इज्जत का परसों के कैल ना रहे ये प्यार। चलो भाई अगला गाना देख लेते हैं हम पवन सिंह का है जिसका नाम है हो गई बा जान हमार हेल्थ ओके। हेयर वी गो गो मेन कैंसिल तक के हो स्पॉन्सर्ड चाहे शाम नहीं होला थकान मन मस्त भयल टेंशन बोला के इम्यूनिटी बढ़ाते देहिया तो हार स्वस्थ भयल बनल रहता ये नरजी बतिया कहत नहीं खी फर्जी साथ देता हो शरीर के तनो करी मन मर्जी एकदम दिल से खुश होके हो गईल बा जान हमार हेल्थ ओके। क्या बात है, ऐसा प्रमोशन नहीं देखा मैंने आज तक यार। सही बात है, ये तो बॉलीवुड वाले भी नहीं कर पाएंगे। स्पॉन्सरशिप की भी कमाल और है बाप। ये कोई ब्रांड होगा हेल्थ ओके, हेल्थ ओके मल्टीविटामिन। सब दुख तकलीफ से मिलो छुटकारा सब दुख तकलीफ से हसत खेलत रह रानी टबलेट खा के पीला पानी जीवन जिया जबरदस्त होई नहीं परेशानी फिटनेस रोकी ना रोके हो गईल बा जान हमार हेल्थ ओके हो गईल बा जान हमार हेल्थ ओके सिंपल सी बात है। ये पूरा स्पॉन्सर्ड वीडियो था मेन काइंड का। मुझे लगा कोई बढ़िया सॉन्ग करने वाला क्या यार पवन सिंह। बाकी हाँ एक बात है मानना पड़ेगा, मेन काइंड वालों ने यार स्पॉन्सर करने का तरीका क्या ढूंढा यार, प्रमोशन करने का। भाई गाने ही बगा दो हमारे लिए तुम तो, मतलब 1,00,000 रुपये तुमको हम स्पॉन्सर की देंगे, स्पॉन्सरशिप के देंगे कि भाई तुम हमारा प्रमोशन करो, तो इससे अच्छा गाना ही बना डालो, 1,00,000 में गाना भी बनता है, हमारे नाम का गाना बना डालो। सही बात, दिमाग की गई है मेन काइंड वालों ने यार, गाना बना डालो और लोगों गाने सुनेंगे तो भी बार बार उसका मेन काइंड का नाम यूज़ करेंगे, हेल्थ ओके का नाम यूज़ करेंगे, तो एक फ़ायदा वो भी। और 1.2 मिलियन लोग कितने 2 मिलियन लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इस गाने को, तो यहाँ पे तो प्रमोशन बिल्कुल उनका सक्सेसफुल हो चुका है। 1 मिलियन लोग देख चुके हैं तो ये सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन बात करें भाई फरार होइल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो वो खेसारी लाल का गाना था प्यार परसों कैल ना रहे, वो गाना था तो बहुत बढ़िया भाई, और सुनने में बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लग रहा था। पिक्चराइजेशन थोड़ा सा उसका लॉजिक समझ में नहीं आया, स्टोरी मुझे समझ में आ गया, इसको समझ में नहीं आया। मुझे जो समझ में आया उसमें ये लग रहा था मुझे कि बंदा जो गरीब है और लड़की अमीर है, और लड़का लड़की से प्यार करता है लेकिन लड़की लड़के से प्यार नहीं करती है। आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी यहाँ पे, स्टोरी एक दिखा रहा थी पास्ट की कि जिसमें उसने वो इसकी इंसल्ट करी हो या उसको ना बोल दिया, ना बोल दिया, ऐसा कुछ दिखाना था, वो कुछ दिखाया नहीं, वो सस्पेंस में छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, मुझे तो मजा आया भाई, मजा तो आया भाई, गाना बहुत प्यारा और आवाज़ यहाँ पर पहले फिर वापस से दिल को छू लेने वाली। अब कुछ सॉन्ग्स आ रहे हैं जहाँ पे हमें खेसारी लाल की आवाज़ सुनाई दे रही है, नहीं तो कि हमेशा हमें ऑटो ट्यून ही सुनाई देता था खेसारी लाल के गानों में, लेकिन अब हाँ ऐसे गाने आ रहे हैं जहाँ पे हमें खेसारी लाल की ओरिजिनल वॉइस भी सुनने को मिल रही है। और भाई रियल में बता रहा हूँ, सारे जितने भी जो भी खेसारी लाल का म्यूजिक बनाते हैं गाइज, मत करो यार उनके उनकी आवाज़ के साथ छेड़छाड़ मत करो, अच्छी आवाज़ है उनकी यार, हाँ बहुत अच्छी आवाज़ है, आप छेड़छाड़ क्यों करते हो उनकी आवाज़ के साथ, बहुत बढ़िया आवाज़ है, उनको गाने दो वो जैसे गाते हैं, बहुत कमाल की लग रही थी आवाज़, तो प्लीज़ यार उनको गाने दो।
ठीक है, बेवजह फोकट लोग फिर परेशान करते हैं कि ऑटो ट्यून के बिना गा नहीं सकते हैं। यार इतनी अच्छी तो आवाज़ है, गा सकते हैं ऑटो ट्यून के बिना, गाने दो ना उन्हें। ठीक है, बाकी पवन सिंह का गाना बहुत बढ़िया था, हेल्थ ओके क्या है घबरा यार, बहुत गजब का आइडिया था यार वो प्रमोशन करने का, यार बहुत अच्छा था, गाने में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने यार, क्या कमाल है यार, दो मिनट में उनका प्रमोशन भी हो गया और हाँ वीडियो पे व्यूज तो अलग मिल रहे हैं, उसका कमाई अलग है, मतलब कमाई कमाई उस गाने में, हर तरह से कमाई है, मतलब कह सकते हैं अच्छा फाइनेंशियल गाना था तो भाई, पैसे वाला गाना था नो डाउट। तो भाई बहुत मजा आया हम लोगों को, आप लोगों को कितना मजा आया कमेंट करके ये भी बताना, अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।